様じゃない。कृष्ण का स्वरूप भागवतम जिसमें उनको पाने का उपाय भक्ति बतलाई गई है और प्रेम का उसमें निरूपण किया गया है। वो भागवतम, वो श्रीमद् भागवतम आपके लिए फायदेमंद कब होगा? क्या नियम है? भूख से खींचो तो वो आपके मुंह में आएगा। अगर आप अपने मुंह को उस स्ट्रॉ के चारों ओर घुमाते फिरो, ग्लास को टेढ़ा तिरछा करते फिरो, एक बूंद भी आपको मैंगो शेक नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये जो शास्त्र है, विशेष हमारे परमार्थ के शास्त्र, इसको मुंह के अंदर, हृदय के अंदर ग्रहण करने के लिए, उसके अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए एक जबरदस्त चीज चाहिए। उसे कहते हैं श्रद्धा विश्वास। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप इसे ग्रहण कर ही नहीं सकते। सुन लो सारी की सारी। और बोलते हैं, हम गए थे 7 दिन भागवत कथा सुन छोड़ी हमने, सुन के ताकि छोड़ी सुन छोड़ी सुन के छोड़ी। अगर आप भागवत कथा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। तो खुद वेद व्यास तो आप लोग आए हो हमारे भागवत सम्राट जी से कथा सुनने के लिए, और कथा करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। उनकी कथा को ध्यान से सुनिएगा। और जो मैंने अपनी थोड़ी सी तोते वाली टेंटें कर दी है उसको जो समझ आए तो ठीक है, बाकी हम भारत के शरण और हरे पुरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। मरम नजाने हेतु डाल डाल अनुपा Yeah।
हमारे वृंदावन में प्रतिज्ञा करते हैं कि कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाती है, जो विकर्षण रेखा है वो मिट करके भक्ति रूपी रेखा का उदय होता है। इसलिए एक संत दूसरे संत से बोले कि भाई जहां देखो वहां कैसे है, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, कथा में कीर्तन में जागरण में। तो एक संत दूसरे संत से पूछे भाई ताली बजाने से आखिर होता क्या, तो दूसरे संत बोले कि कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता है। तो फिर बोले पाप निकल कर जाता तो जाता कहां है, उसको तो रहने के लिए देना चाहिए। बोले वो जाता कहीं नहीं है, जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उनका पाप निकल करके उनके सिर पे बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते। ठीक है, तो आप सोचे कि आप पाप को बैठना चाहेंगे, आप लोग नहीं चाहेंगे ना, चाहेंगे कौन चाहेंगे, आप उठा के बताओ। तो इसलिए सभी लोग ताली बजाए और नृत्य भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, माना नहीं है। भगवान के कीर्तन में नृत्य करने से जैसे कि मीरा भाई भक्तिपति मीरा भाई कीर्तन में किया, पगत घुघरू बांध मीरा नाथ जी ने पग में घुघरू बांध करके नाचे थे कि नहीं, तो कीर्तन में नाचना चाहिए। कीर्तन में नाचने से तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो ही पावा और वो ही कपट छल छिद्र का भावा। तो भगवान कहते हैं कि निर्मल जिसका मन है वो मुझे अति प्यारा है, और जिसके मन में छल कपट छिद्र भरा हुआ है वो मुझे कतई प्यारा नहीं है। तो निर्मल मन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले काम गाने सदा रुचि वैष्णव सेवा, यानी कि नाम में रुचि होनी चाहिए। रुचि कब होगा, जब कीर्तन में नाचेंगे और ताली बजाएंगे मन में उत्साह आएगा तभी तो निर्मल होगा मन, ऐसे बैठे बैठे कीर्तन हो जाएगा मिट्टी मिट्टी। इसलिए कीर्तन में ताली बजाकर और नित्य जरूर करें।
Yeah.
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते अभीष्ट पुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ न करो बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्ति वेदांत साता महाराज श्रीला जोगी महाराज श्री रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथाजोग प्रणाम करता हूँ। ये गाड़ी और है 7093 अपनी गाड़ी हटा दे परेशानी हो रही है। हरे कृष्ण अगर हमारे पास में पैसा के बल पर हो जो काम की हम पैसा के बल पर रख सकते हैं जगत में ऐसे बहुत कुछ काम है अगर हमारे पास में जन बल हो लोग अगर हम मदद कर रहे हैं जो काम को कर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा बल क्या है कभी ये मन की बल है। जगत में ऐसे वो जो काम है जिस काम को हम मन की बल पर कर सकते हैं लेकिन मन का बल से ज्यादा बल क्या है बल आत्मबल है। कि जगत में ऐसे वो जो काम है जो काम को हम आत्मबल को ऊपर में कर सकते हैं लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा रखना और ये भागवत कथा सुनना न तो कोई जन बल से रख सकते हैं न तो कोई अर्थ बल से रख सकते हैं न तो कोई मन बल से रख सकते हैं न तो कोई आत्म बल से नहीं रख सकते हैं। जब तक कि गुरु जी की और श्री रमण बिहारी जी की कृपा की बल नहीं हो कभी ये कथा कोई रख भी नहीं सकता है ये कथा कोई सुन भी नहीं सकता। इतने ये कथा की महत्व है इसलिए खाली हाथ नहीं उस स्वर्ग के अमृत कलश लेकर के आए बोले लोग ये सबके पूरा के पूरा ये अमृत कलश आप ले लो आप इसलिए परिचित को कथा सुनाने जा रहे हो इनको श्रृंगेरी ऋषि ने अभिशाप दिया ये सप्तम दिवस में इनको तक्षक दर्शन करेगा इसलिए ना बोला हाँ बोले लो ये अमृत कलश पूरा ले लेकिन इसके विनिमय में हमें थोड़ी सी ये कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते भाग जाओ यहाँ से कथा सुनने बल्कि स्वर्ग अमृत पीने से होता है क्या बताओ बल्कि तब तक ये स्वर्ग में रहोगे जब तक तुम्हारी पुण्य समाप्त नहीं हो जाता है पर थका मारकर यहीं पर तेरे को गिरा देंगे। और देवता का राजा कौन है इंद्र है ये अमृत पीकर कितना बार स्वर बना सुनो और कितने बार निकृष्ट ज्योनि में गया है इसलिए स्वर्ग अमृत को पान करने पर धीरे 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 परमायु तुम्हारी खत्म होती जाती है लेकिन ये भागवत कथा को पान करने पर परमायु खत्म नहीं ये परमायु बढ़ते जाती है ये दीर्घायु प्रदान करती है और ये भगवत चरण कमल को प्राप्त कराता है इसलिए भाग जाओ यहाँ से कथा नहीं सुन सकते हो। यहाँ प्रश्न आता है क्या ये स्वर्ग का अमृत का कोई फिर महत्व ही नहीं कोई बोले नहीं ये आपको पता ही कुंभ मेला में क्यों स्नान करने के लिए जाते हैं
बोले जिस समय श्री गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत को लाए थे अपना माँ को मुक्ति दिलाने के लिए, ये अमृत कलश जिस जिस जगह पर जिस जिस वृक्ष को ऊपर में रखा था, चार जगह पर रखा था, इसीलिए 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है। केवल वो अमृत कलश को स्पर्श हो गया, रख दिया, इसलिए ये कुंभ मेला हो रही है। और ये अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान भी चार चार बार अवतार लिए। हम आगे सुनेंगे ये अमृत कलश निकला कैसे है। बोले जिस समय देवता दैत्यों ने समुद्र मंथन करने के लिए गए, बोले मंदार चल पर्वत को रही बनाओ, देवता दैत्य ले जा रहे थे, गिरा तो हजार देवता दैत्य पीस गए। फिर भगवान हरि अवतार लेकर के समुद्र के बीच में रहे। फिर जब मंथन प्रारंभ हुई, धीरे धीरे पर्वत नीचे जा रहा था, भगवान कूर्म अवतार लिया है, पृष्ठ पर धारण किया। जब फिर समुद्र मंथन हुई, भगवान ने धन्वंतरी अवतार में अमृत कलश लेकर उठे। जब उठे इतने में दैत्य लोग छीन लिए। फिर भगवान ने मोहिन रूप अवतार लेकर के देवता को दिया। कितना अवतार हुआ कार्तिक जी, बताओ कितना अवतार हो गया? चार। भगवान कृष्ण स्वयं उन्होंने चार चार बार अवतार लिया ये स्वर्ग अमृत को प्राप्त करने के लिए। लेकिन देखो ये भागवत की कथा अमृत कितने महत्व है। कदि ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, लेकिन उसकी विनिमय में हमें थोड़ी सी ये भागवत कथा सुना दो। देखो देवता इतने आसानी नहीं, इतना आसानी से सौदा करने वाले देवता नहीं है। देवता लोग अमृत कलश लो, कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वहां से भगा दिया उनको, कथा नहीं सुन सकते हो, क्योंकि कथा स्वयं ठाकुर की, ये कथा स्वयं भाग्य बिहारी कृष्ण है। इसका मतलब है जो व्यक्ति आज कथा सुन रहे हो, हम देवता से भी ज्यादा पुण्यात्मा है, देवताओं से भी ज्यादा हम सौभाग्यवान जो बैठ करके हम आज ये भागवत कथा को सुन रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुई है स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी, उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होना है। कहते स्वर्ग की बात ही छोड़ो, उसको 7 लोग ऊपर में ब्रह्म लोग हैं। कहते भूर भुव मोह जन तप सत्य लोग, सबसे ऊंचाई लोग है सत्य लोग, जहां पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं। कहते वहां पर जन्म लेने पर भी ब्रह्मा जी की भी सौभाग्य में ये भागवत कथा उन्हें भी सुनने नहीं मिलता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं भले कथा है तो बेदे भावना में रहते हैं वो ब्रह्मा जी। लेकिन जब ब्रह्मा जी को पता चलता है
भैया अमुक स्थान पर ये भागवत कथा हो रही, भगवान की कथा होने जा रही। बोले कथा है तो विधि मतलब ब्रह्मा, भवन मतलब घर है, बिहारी परित्याग करके। बोले सुनी बंदर शारदा आप तक आई, वो अकेले नहीं आते, अपना पत्नी शारदा को बोलते हैं शारदे जल्दी तैयारी हो, क्यों देखना माता पत्रा सजने में साड़ी भाड़ी पहनकर सजने में देर लगती है। अब पुरुष लोग तो कहीं कपड़ा पहन कर चलो, और कहते नहीं अभी में तो हमने श्रृंगार नहीं किया है, इसलिए कहते देखो शारदा जब कथा सुनने का समय होना कैसे नहीं बोलना नहीं अभी तो मैंने साड़ी ठीक से पहना है, इसलिए पहले से ही तैयारी में भी रहना। इसलिए कथा सुनने के लिए पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक को छोड़ करके इसी मध्य जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। धाई मतलब होता है दौड़ दौड़ करके, भैया कथा शुरू होने से पहले हम जा करके बैठ जाए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परिकीत ये ब्रह्म लोक में भी कथा नहीं, कहते ब्रह्म लोक की बात ही छोड़ दो, कहते उसको ऊपर में सीध लोग है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा कैलाश में भी नहीं ये कथा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं एक बार त्रेतया युग माही संभ हो गए कुंभ भजनी सिपाही। अगर शंकर जी को इच्छा हो ना कथा सुनने के लिए, वो भी कैलाश लोक को छोड़ करके इसी मध्य जगत में जहां पर श्री अगस्त ऋषि रहते हैं कथा सुनने के लिए उनके चरण में बैठ कर कथा सुनते हैं। कहते कैलाश की बात छोड़ो, कैलाश में तो है ही नहीं। बोले वैकुंठ नास्ते अग्रस, जहां पर भगवान स्वयं नारायण और लक्ष्मी रहते हैं, कहते वहां पर भी कथा रस नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते बले गया वो गरोड़ा जाना बसा ए भोसोंदा, गया वो गरोड़ा जाना बसा ए भोसोंदा, आ गया वो गरोड़ा जाना बसा ए भोसोंदा, गया वो गरोड़ा वहीं पर काल भूषण बैठ करके भगवान की कथा सुनाते। इसलिए कहते गरुड़ जी वैकुंठ लोग छोड़कर इसी जगत में आते हैं। आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय भगवान राम ये अयोध्या छोड़ करके अपना नित्य सांकेत धाम को जाने के लिए तैयार है, पूरा अयोध्या वासी तैयारी हुए हैं, अभी प्रभु जी को साथ में चलेंगे। लेकिन भगवान राम ने देखा ये सबके सब लोग है, लेकिन यहाँ पर केवल एक व्यक्ति यहाँ नहीं, बताए आप लोगों को कौन नहीं था, कौन नहीं था, कहते श्री हनुमान जी नहीं थे। बोले भैया कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए बोले जो हनुमान प्रभु राम को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है श्री हनुमान जी यहाँ पर नहीं। बोले भैया हनुमान जी को ढूंढो कहाँ है, देखा हनुमान जी एक कोने में बैठ करके भगवान के नाम जप कर रहे थे। बोले हनुमान जी संपूर्ण अयोध्या वासी तैयारी प्रभु के धाम को जाने के लिए, और तुम क्या वैकुंठ नहीं चलोगे, तो सांकेत धाम को नहीं जाओगे। देखो हनुमान जी क्या कहता, बड़े महत्वपूर्ण बात कह रहे,
बोले प्रभु अयोध्या में क्या तुम्हारी वैकुंठ लोक में क्या आपकी कथा सुनने को मिलेगी, वहां क्या तुम्हारी कथा है? तब भगवान ने कहा हनुमान जी जब मैं वहां पर साक्षात रूप में हूँ फिर ये कथा की क्या जरूरत है? देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले हे प्रभु आप जहां पर हो सकता है आपकी कथा वहां पर नहीं हो, लेकिन जब आप जहां पर आपकी कथा हो वो 100% आप वहीं पर आप मिलोगे, जहां तुम्हारी कथा है आप वहीं पर आप मिलोगे। इसलिए जब भगवान को नारद जी ने पूछा वो कहाँ हो, स्वयं भगवान कहते हैं ना अहम बसा वैकुंठे जोगिनाम हृदय रचम मत भक्ता जत्र गायती तत्र तिष्ठामि नारद। दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, माइक वाले क्या कहते हैं इसका आवाज अंदर होता है, इसलिए श्री दुनिया कहते मैं रहता हूँ वैकुंठ में, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं जोगियों की हृदय में निवास करता हूँ, मैं जोगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले प्रभु कहाँ रहते हो? बोले केवल एक जगह में मेरे को पाओगे मद भक्ता जत्र गायत, जहाँ पर मेरी कीर्तन हरि कथा हो रही है मैं वहीं पर ही मैं रहता हूँ। हाँ देखो यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा थी, जब से शंकर जी कथा सुन ज्ञान की प्राप्ति होगी आप जिस रूप में आए ना आप उसी रूप में नहीं जाओगे, पूरा पूरा गला में कंठी माला तिलक लगा कर जाओगे, पूरा पूरा प्रभु की भक्ति में डूबते हुए शराब होते हुए जाओगे। 7 दिन में आप देखना आपका ये सब नहीं रहेगा, आप संपूर्ण आप बदल जाओगे। अगर पत्नी अगर कथा सुनने के लिए आई फिर उसको पता चलेगा ये जीवन क्या है, भगवान हमें ये जीवन दिया क्यों, क्या ये विशेष भोग करने के लिए दिया है? ये 84 लाख जीवन पास्ट की जीवन मिला है केवल प्रभु की भक्ति के लिए मिला है। ये ज्ञान होगा तो क्या होगा, फिर माला जप करेगी गला में कंठी तिलक कहीं नहीं। अगर ये जीवन टेली मूवी देख करके जीवन बिताने का नहीं, इसलिए भगवान राम कहते हैं बोले साधन शरीर नहीं ये साधन धाम है, मोक्ष करे द्वारा ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते ये मानव शरीर नहीं मुक्ति के दरवाजा पर तुम खड़े हो। अगर साधु संग अगर सुनोगे तुम मिलेगा ये सब चीज, फिर क्या होगा, फिर जीवन बदलेगी, फिर भजन करोगे, भजन करोगे। अगर पति पत्नी दोनों आओगे ना कथा सुनने के लिए, इसलिए देवादेवी दोनों आती है, फिर क्या होगा, आप बोलोगे भैया चलो जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करो हम भगवान की कथा सुनने जाएंगे, तीर्थ यात्रा में जाएंगे, परिक्रमा लगाने जाएंगे, चलो दोनों बैठ करके थोड़ा भागवत पढ़ते हैं, थोड़ा गीता पढ़ते हैं, थोड़ा माला जप करते हैं, फिर दोनों मिलकर करोगे। इसलिए यहाँ शिक्षा को छोड़ते हैं, शंकर जी को कथा सुनना हो तो कैलाश लोक को त्याग देते हैं और गरुड़ जी को कथा सुनना हो तो वैकुंठ को त्याग देना पड़ता है। लेकिन ये जन्मपुरी के निवासियों को आपको कुछ छोड़ना पड़ा, तुम्हारी घर छोड़ना पड़ा ना दुकान वगैरह छोड़ना पड़ा, तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ी,
और कथारूपी गंगा स्वयं बहते बहते हमारी घर को सामने आ गई और हम घर में बैठ बैठ करके क्या किया, कथारूपी गंगा में यहीं पर हमने स्नान कर लिया। इसका मतलब है हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि भागवत कथा को आज श्रवण कर रहे हैं। इसलिए भागवत में बताया न चत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, हे प्रभु जहाँ पर तुम्हारी कथा रूपी गंगा नहीं, जहाँ तुम्हारे जन्म उत्सव नहीं, जहाँ तुम्हारे कीर्तन नहीं, बोले सुरेश लोक अभी नब्बे सत्यता वो सुर लोग देवता लोगों क्यों नहीं हो, हम ऐसे लोग जाना नहीं चाहते। मैं तो वही पर जन्म लेना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारी कथा भजन पाठ और कीर्तन। इसलिए समझो आज से हम लोग जो 7 दिन तक कथा रूपी गंगा में स्नान करेंगे ना, समझो हम बड़े सौभाग्यवान हैं, बड़े सौभाग्यवान हैं। एक बार हाथ उठा करके सबके सब बोलो बोला हरे कृष्ण हरे। लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ा दुर्लभ है, माता प्रश्न करती है बोले प्रभु जगत में किस चीज की दुर्लभता है। देखो शंकर जी क्या कहते हैं बोले सत्य संगति दुर्लभ भगवान की दो तरह का कृपा है।
एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट, जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा होती है। पार्वती पाव दही यह संगत सोई, तब ये साधु संग भगवान की कथा सुनने को मिलती तभी। इसलिए भगवान उसी अवस्था में उन्होंने सब कुछ छोड़ करके आए, कतियों ने बाधा दी लेकिन उन्होंने बाधा को तोड़ करके आए कृष्ण को पास में। कृष्ण कहते हैं स्वागत में महाभागा, जगत में तुम लोग सबसे बड़े भाग्यवती हो, संसार का सारे बंधन को तोड़ करके तुम लोग मेरे पास आए। एक बार किया, दूसरा बार कब की, जब कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराते चराते भाद्रोल में पहुंचे, सखाओं ने कहा कृष्ण पेट में चूहे कूद रहे, बड़े भूख लग रहा है, खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था कर दे, उनके पास में ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे, जाओ मेरे नाम लेकर के उनसे कुछ मांगना हो जरूर देंगे। लेकिन मांगने के लिए नहीं तो उन्होंने भूख भी नहीं किया, उन्हें सुनकर अनसुना कर दी, बोले कृष्ण तो बोल रहे थे भिक्षा देंगे तो अनसुना कर दिए। बोले एक काम करो, उनकी पत्नियों को पास कर, बोले जो इतने बड़े बड़े वेद पढ़ने वाले द्विवेदी चतुर्वेदी त्रिवेदी, हाँ जो इतने बड़े बड़े विद्वान तेरे को समझ नहीं पाए, जो स्त्रियां जो अपवित्र रहती है, हाँ जिनकी जनेऊ कृष्ण के लिए दौड़े, इतने में पतियों को पता चला तो चोटी खड़े करके भागे। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले कृष्ण को खिलाने के लिए जा रहे हैं। बोले खबरदार घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देंगे, कहते घर में आने ही नहीं देंगे, बोले तुम्हारे घर में ही नहीं आएंगे हम तो कृष्ण को पास में रहा करेंगे। लेकिन जब कृष्ण आए ना गोपियां ये यज्ञ पत्नियां, कृष्ण कहते हैं स्वागत है महाभागा, हे महाभाग्यवती तुम सब का स्वागत करता हूँ, तुम लोग ने सारे बंधन को तोड़ कर मेरे पास आए। हाँ देखो जो लोग कथा सुनने के लिए आए ना, भगवान भी आपको स्वागत करते। बोले क्यों, सबके घर में कुछ ना कुछ काम होगा, एक भी घर में काम होगा, सभी का घर में कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन आप लोग ने सारे काम को पीछे करके ना आप लोग ने कथा सुनने के लिए आए। इसलिए भगवान जो कथा सुनने के लिए आते हैं ठाकुर जी सबको स्वागत करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृत की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए भागवत को अभी महाराज जी एक श्लोक उन्होंने उच्चारण किया है, जैसे हम लोग रोज रोज दो दो घंटा तीन तीन घंटा यहाँ पर बैठेंगे ये भागवत कथा सुनेंगे। कोई प्रश्न कर सकते हैं, अगर यही समय को अगर हम और कहीं देते भैया कुछ तो माल भाल मिलता है ना, कुछ प्रॉपर्टी होता, लेकिन यहाँ पर हम दो दो तीन तीन घंटा बैठेंगे हमारे क्या मिलेगा। हम क्यों अपना अनमोल समय को ये गौड़ीय मठ में दो दो तीन तीन घंटा बैठ कर क्यों समय को बिताए, हमें मिले क्या क्या। तब राधा रानी कहती है देखो तुमको ये कथा से जो लाभ होगी ना, दुनिया में कोई भी बिजनेस में तुम्हें इतने लाभ होने वाले नहीं। आप जगत में कोई भी बिजनेस करो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, लेकिन ये जिन लोगों ने ये भक्ति रूपी बिजनेस किया ना, हीरो हीरोइन बने। हम तो बेटा बेटियों को नहीं तो हम क्या करेंगे, बॉलीवुड में हीरो और हीरोइन ही हम बनेंगे। बोले भैया 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी दुनिया में कोई नाम ले रहे हैं, अब बड़ी बड़ी हीरोइन का नाम पढ़ करके देखो इतने डिप्रेशन में आए सुइसाइड करके सबके सब मरे, ये सुइसाइड करके मरे। आप जितनी हीरोइन का नाम आप पढ़ लो, लेकिन अब बड़ा बन करके दिखाओ ना, भगवान की भक्त बन करके बड़ा बनो, हाँ जिनका नाम दुनिया में अमर रह जाएगी। ध्रुव प्रभात सत्य युग में करोड़ों साल पहले आए, लेकिन देखो अभी भी उनका नाम दुनिया इनकी नाम लेते हैं। अगर बड़ा बनना ना भगवान की भक्त बन करके बड़े बनो, जो कि नाम तुम्हारी जगत में अमर रह जाएगी। इसलिए श्री राधा रानी कहती है अगर ये भागवत कथा सुनोगे ना, कहते थे मैं I'm
कोई स्कूल कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई अरना छत्र खोल दे, जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान किया है। राधा रानी कहती हैं, जो ये भागवत कथा को जो दान करते हैं, कभी इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ा दान है श्री भगवत कथा को जो, और विशेष करके श्री पुरुषोत्तम महीना में जो ये कथा दान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा दान कुछ नहीं। बल ये दान से क्या होता है, तो राधा रानी कहती है, बल ये भागवत कथा नहीं, बल कथा सुनने का पहला लाभ है, बल तब कथा अमृत। ये भगवान की कथा ये अमृत है। कहते भैया जो अमृत ये मर्त्य जगत में नीति शास्त्र कहता है, ये शास्त्र करके देखना शरीर में चुस्ती फिर आ जाती, शरीर में फिर ताकत आ जाती। कहां से आती, ले चंद्रमा से आती है। सारे वृक्ष में जीवन शक्ति, जितने आयुर्वेदिक मेडिसिन ये सत्य सब श्री चंद्रमा से आता है। इसलिए अमृत कहां पर है, बोले चंद्रमा में। लेकिन वैष्णव लोग कहते तो वहां भी अमृत नहीं, बोले क्यों, बोले ये अगर अमृत होता पर ये चंद्रमा पूर्ण ही पूर्ण नहीं रहता। ये पूर्णिमा को पूर्ण प्रथम द्वितीया करते करते अमावस्या उसका खत्म, पर वह पूर्ण क्यों रह नहीं रहता है। बोले तीसरा अमृत कहां है, बोले स्त्रियों की अधरामृत जिसको पति लोग पान करते हैं। बोले भैया अमृत फिर कहां पर है, बोले केवल एक जगह पर यह अमृत मिलेगा। राधा रानी कहती है कहां पर है, बोले तब कथा अमृत तप्त जीवन, कहते सुधा बहत कंठे भगवत जनाना। केवल एक जगह पर अमृत है, कहते सुधा वैष्णव के कंठ में, मतलब भगवान की कथा में ही अमृत है। इसलिए ये भागवत का एक नाम है, अमर कथा ये भागवत को बताया। हर साल में कथा सुनाती तब भी मैं ये अमरत्व को प्राप्त किया हूँ जब से ये श्रीमद भागवत कथा में सुनी। फिर भैया पार्वती कहती है प्रभु फिर मेरे को भी अमर कथा सुना दो, मैं भी अमर बन जाऊंगी, क्योंकि जन्म जन्म तक मैं भी मरते जा रही हूँ, शरीर छोड़ते जा रही हूँ। शंकर जी बोले चलो तेरे को मैं अमरनाथ में यह अमर कथा सुनाऊंगा। शंकर जब पार्वती को ये अमर कथा सुना रहे थे, बोले तुम हुंकार भरते रहना, बोले ठीक है प्रभु जी, लेकिन भगवत इच्छा से उसी वृक्ष को ऊपर में तोता भी बैठ कर कथा सुन रहा था। इसलिए शंकर जी जब उन्होंने अमर कथा सुनाए, बोले तुम हुंकार भरते रहना, वो हुंकार भर रहे। उसको बाद में क्या हुई, बोले कथा तो विश्राम हो गया, बोले तो मैं बीच में सो गई थी, बोले नहीं तो हुंकार भर रही थी, बोले नहीं बीच में मैं सो गई थी। शंकर जी देखा ये अमर कथा जो सुनेगा वो अमर बनेगा, पर ये कथा सुनी किसने, देखा कि तोता बैठ करके कथा सुन रहा। शंकर जी मारने के लिए उसको पीछा की, उसने जाकर के व्यास देव की पत्नी की गर्भ में प्रवेश करना है। इतने में शंकर जी जब वहां पर पहुंचे, व्यास देव बोले भैया क्या बात, कहां से अब हाफते हुए आ रहे हो, बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया, बोले एक तोता ने अमर कथा सुन ली। बोले अमर कथा का मतलब क्या, बोले जो सुनेगा मरेगा नहीं। बोले सचमुच से आप भोले हो, आप स्वयं कह रहे हो ये अमर कथा, जो सुनेगा वो मरेगा नहीं, तोता ने कथा सुनी भी नहीं। बोले हाँ, बोले आप मारने के लिए कैसे पीछा कर रहे हो। शंकर जी ने कहा भैया अभी तक भी बात याद भी नहीं है, उसको हजम नहीं कर सकता है, इसलिए बोले करोड़ों जन्मों का पुण्य से कोई कथा सुन सकते हैं। ये तोता ने इसे क्या पुण्य की है जो सात दिन तक बैठ कर प्रभु की कथा सुन, सात दिन तक कथा सुनी कैसे। शंकर जी जब ध्यान लगाए, उन्होंने सब कुछ चीज को देखा, बोले उन्होंने क्या देखा, बोले ये तोता कौन है। श्री कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चौकु में ये बात कहते हैं, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवास। कहती जो सुखदेव गोस्वामी ये राधा रानी को जो निकुंज महल में निवास करने वाले, इसलिए राधा रानी के तीन सुख होते हैं, एक है उनको प्रिया सुख है,
एक विचक्षण सूप है और एक मंजुभाषी सूप है और एक सुभा सूप है। इनके तीन तोते की टहनिया पर बैठ कर के बड़ी सुंदर राधा जी की भजन गा रहा था। बोले राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। कर्म फल ऐसे की चीज है ना, रूप गोस्वामी कहते हैं
बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी ये कर्म फल से खंडन नहीं कर सकते हैं, जो पूर्व जन्म में करके आए तुमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन राधा रानी कहती है अगर कथा सुनोगे ना कि तुम्हारी सारी कल्पना तुम्हारी नष्ट हो जाएगी है। और श्रवण मंगलम, जो कथा को श्रवण करेगा उसका सारे अमंगल अपने आप खत्म हो जाएगी और मंगल अपने आप जीवन में आएगा। कहती है जगत में बड़े बड़े दान है लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान किया है कभी तुम्हारी कथाओं को जो जगत में दान देते हैं, इससे बड़ा दान जगत में कुछ नहीं। इसलिए राधा रानी कहती कथा सुनो जब तुमको 8 लाभ की प्राप्ति होगी, 8 लाभ की। इसलिए लाभ ही लाभ है भगवान की कथा में। एक बार हाथ में आगे बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे सीधा गोलोक वृंदावन में चले गए। अभी श्री ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बल यहाँ पर तो कुछ नहीं, केवल कथा ही कथा सुन और कुछ ही नहीं किया और सीधा गोपी बनकर के गोलोक वृंदावन में चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में के तराजू लाए, बोले भैया ये भागवत कथा में है क्या चीज। तराजू ला करके एक तरफ में उन्होंने जगत का जितने पुण्य है, जगत में जितने पुण्य हो सकता है, दान तपस्या उन्होंने तराजू का एक तरफ में रखे, तराजू के दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा की महिमा को रखे, वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और जगत का जितने पुण्य सबके सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा में जो पुण्य है पृथ्वी में और किसी को साथ में, ये भागवत कथा की तुम महिमा कभी बराबर नहीं कर सकते। इसलिए श्री व्यास देव जी उन्होंने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की, 17 पुराण को रचना की, लेकिन शांति नहीं मिली। शांति कब मिली? जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को उन्होंने लिखे तब भी जीवन में शांति मिली। नारद जी चतुसर ये बड़े बड़े महाभागवत है, बोले नित्य निरंतर ब्रह्मलोक में ये भागवत कथा चलते रहे। कहते ये नारद जी ये कथा को सबसे पहले ब्रह्मा जी से सुने हैं, लेकिन उन्होंने नियम से ये कथा चतुसर से सुनी। बोले क्यों नियम से चतुसर से क्यों सुनी? बोले कारण है एक दिन श्री नारद जी उन्होंने सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया लेकिन मन को कहीं शांति नहीं मिली। उन्होंने देखा कि जो मर्त्य जगत भगवान की ये जो भारत भूमि पुण्य भूमि है, क्योंकि भगवान कहाँ जन्म हुए हैं? विदेश में जन्म नहीं हुए। कृष्ण कहाँ आए? राम कहाँ आए? नरसिंह भगवान कहाँ आए? भारत में आए। गंगा जमुना सरस्वती कहाँ है? केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री कहाँ है? कहाँ है? भारत में। विदेश में कोई तीर्थ है? विदेश में नहीं है। सबके सब जितने तीर्थ है ना ये सब के सब ये भारत भूमि में, सारे तीर्थ श्री भारत भूमि में, इसलिए इसका नाम है भारत। भारत मतलब क्या है? मतलब भा मतलब होता है प्रकाश और रत मतलब होता है जो लोग हर समय प्रकाश की तरफ में रहते रहते हैं, है? ज्ञान का तरफ में रहते रहते हैं। जा गए कली 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 कली, सोचा भैया वृंदावन धाम तो भगवान बांके बिहारी का था, चलो हमसे वृंदावन धाम जाते। क्यों? कहते हैं ना आली महला गे वृंदा बनानी को, आली महला गे वृंदा बनानी को, आली महला गे वृंदा बनानी को, लागे वृंदा बनानी को सकेरी मोय, लागे वृंदा बनानी को।
वृंदावन धाम क्या है? बोले ये वृंदावन धाम नहीं, ये स्वयं ईश्वरी राधा रानी अपना हृदय कहीं बिछा कर रखती है। इसलिए हरि निष्कुट वृंदाविपिनि से राधे जय जय माधव दैते। इसलिए उदाहरण दिया कि वृंदावन धाम ही श्री राधा जी का स्वरूप है और कृष्ण जिस बगीचा में बड़े सुंदर रूप में क्रीड़ा करते हैं ये श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन, वृंदा मतलब होता है तुलसी वन। यमुना निकट में पहुंचे, देखे एक कुछ लोगों को एकत्रित होते हुए, बोले भैया वृंदावन धाम में तो सत्संग होती रहती है, क्या यहाँ पे सत्संग हो रही है? लेकिन जब वहां पर गए ना, देखा कोई सत्संग नहीं, वहां पर रोना बना है। इतने में इसको देख करके नारद जी वहां से भगे। इतने में जो भक्ति देवी थी, बोले नारद जी बड़े भाग्य से नहीं संतों का दर्शन मिलता है, आप तो आए थे चाह कहा रहे हो, थोड़ी सी रुक जाओ। नारद जी रुक गए, बोले आप कौन हो? बोले मैं स्वयं भक्ति देवी। बोले ये दो बेटे कौन है? बोले नारद जी जगत में नियम होता है, मैया होती है पूरी, बेटे होते हैं जवान। लेकिन मैं इतने दुर्भाग्य हूँ, मैं मैया होकर के तो मैं बन गई युवती और मेरे बच्चे जो जवान होनी चाहिए हो गए बूढ़े। बोले ऐसे कैसे हो गए? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहब वृद्धि करना टके गदा क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहब, बोले द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में भी मेरे को कहीं कहीं आदर भी नहीं। मतलब है यहाँ पर तो भक्ति की थोड़ी थोड़ी माहौल कहीं मिला है, लेकिन मैं जब गुजरात गया ना एकदम मैं बूढ़ी हो गई। बोले क्यों? बोले ये गुजरात इतने नास्तिक देश था, किसी घर में तुलसी दिख नहीं मिलेगा, किसी घर में ठाकुर जी की पूजा नहीं मिलेगा, शराब पीने वाले मांस खाने वाले, अगर कोई कंठी तिलकधारी चोटी वाले पहुंच जाए ना, बोले तुमने कौन सा पाप की गले में लकड़ी बांधी थी? क्या कोई यहाँ पर तिलक लगाए तो बोले बबला क्या टाटी कर दिया? बोले चोटी देखे, बोले क्या ये एरिया है तुम्हारी, ये ब्रजमंडल परिक्रमा होता है। हाँ ब्रजमंडल परिक्रमा, उनको करीब करीब 10-15 हजार लोग, करोड़ों करोड़ों पति घर के माता है पैदल में चल करके परिक्रमा 1.5 महीना तक करती है, लठिया ले लेकर के दीप में 15-15, 20-20 किलोमीटर चल करके परिक्रमा करते हैं। सभी की गले में देखोगे तुलसी कंठी देखोगे, सबको तिलक लगाए हुए देखोगे, सबको हाथ में माला झोली देखोगे। बोले गुजरात इतने बड़े धनी कैसे कैसे हो गया, भक्त कैसे हुए? बोले वहां पर बड़े बड़े साधनों के जन्म हुए, तुकाराम जी, नरसिंह भगत, बल्लभाचार्य जी, सब साधु लोग का जन्म हो गया। जहां पर साधु लोग का जन्म हो जाए ना, कहते ताहार प्रभाव कोटि जोजन निस्तारे, एक अगर साधु कहीं जन्म हो जाए कर्ण हम मील तक पवित्र हो जाता है। कहते जब एक शुद्ध साधु हाथ उठा करके नृत्य करता है स्वर्ग में देवता को कल्याण होता है, जब वो दृष्टि से देखता है। क्यों? उनका जो दृष्टि है वो प्रेमाजन छुरित भक्ति विलोचन न, उनका दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं, वो कृष्ण कृष्ण उनकी आंखों में कृष्ण राधा रानी बैठे हुए। इसलिए उनका जो दृष्टि जितने दूर तक जाए सारे दुर्भिक्ष सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है। जब वो नृत्य करते हैं उनका चरण जब पृथ्वी को स्पर्श करता है ये पृथ्वी अपना को धन्य धन्य मानते हैं। एक अगर साधु कहीं अगर जन्म ले लिया इतने महिमा, आप बताओ हमारे भारत में सबसे ज्यादा पैसा वाला लोग कहां पर है? आप बता सकते हो? बताओ कहां पर सबसे ज्यादा पैसा वाला है? बोले क्यों गुजरात में इतने पैसा वाला क्यों है? केवल भागवत कहता है जिस देश का लोग भगवान की भक्ति करेंगे भजन करेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा उसको पर उतना ही होती है, क्योंकि नारायण की सेवा करोगे तो लक्ष्मी तभी तो कृपा करेगी। अगर तुम नारायण की सेवा नहीं करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर क्यों कृपा करेगी? किस लिए कृपा करेगी? करेगी नहीं। इसलिए जहां पर जितने भगवान की भक्ति हो वहां पर लक्ष्मी उतना ही बरसती है। आप देखना किसी जगत में जब एक व्यक्ति गरीबी होता ना गरीबी से गरीब होती जाती है,
आप देखना एक व्यक्ति जब धनी होता है वो धनी 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 होते जाते हैं। कारण क्या? आप गुजरात में देखना कितने दान पुण्य करने वाले मिलेंगे, पृथ्वी में कहीं इतने दान पुण्य करने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको कुछ डिपोजिट ही होगा तभी तो मिलेगा। अगर तुम्हारी कोई डिपोजिट ही होगी नहीं तो मिलेगा कहां से तुम्हें? और मिल भी नहीं सकती है। इसलिए मोदी कहां गए? मोदी रहने वाले कहां गए? कहां गए? हाँ, इसलिए ये भक्ति वहां पर सबसे समृद्धशाली। कहती मैं जब वृंदावन में मैं आई हूँ, भक्ति देवी कहना कहते मैं तो वृंदावन धाम राधा जी के हृदय है, वहां पर तो मैं एकदम जवानी बन गई। लेकिन मेरे जो बेटे हैं ना ज्ञान वैराग्य, ये दोनों को दोनों ये बूढ़े बन गए। बोले क्यों बूढ़े बन गए? बोले वृंदावन में ये ज्ञान वैराग्य कोई पूछने वाले नहीं, कोई नहीं पूछते ज्ञान वैराग्य। वहां पर तो प्रेम की, हाँ वहां पर प्रेम की बाढ़ बहती है। इसलिए बोले जो वृंदावन धाम कैसे है, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, बोले केशव की केली कुंड कोटी कोटि काशी है, गोपिन के द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम ले गए करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम श्री हम वृंदावन। इसलिए जो वृंदावन जो धाम है, ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं, ये राधा रानी की ये धाम है। इसलिए यहाँ पर कोई ज्ञान वैराग्य को पूछने वाले नहीं, इसलिए बूढ़ी हो गई। लेकिन ये भक्ति के बोले दो बेटे हैं। भक्ति के कितने बेटे हैं? कितने बेटे हैं भक्ति के? दो। भक्ति को पुष्ट करने वाले, ये भक्ति को तोड़ने वाले ज्ञान नहीं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले तीन तरह का भक्त है। कितने तरह का भक्त है? कितने तरह के? हाँ देखो, कल आपसे मैं सुनूंगा, देखूंगा कौन मेरे को बता बता है। कहते तीन तरह का भक्त है, कहते कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम। बोले कनिष्ठ भक्त कौन है? बोले जो भक्ति तक करते हैं लेकिन बड़ा डामाडो, भक्ति युक्त ज्ञान है जो ब्रह्म ज्ञान नहीं, कहते भक्ति को नष्ट करने वाले ज्ञान है, ये एक इनके बेटा है। दूसरा कौन है? बोले वैराग्य। बोले वैराग्य से तो भगवान मिलते नहीं, भगवान प्रेम से। इसलिए बोले चार तरह का वैराग्य है। कितने तरह का वैराग्य? पहला वैराग्य है शमशान वैराग्य। इसका मतलब है देखना, जब एक व्यक्ति मरता है ना, जो उसको जलाने के लिए ले जाता है, देखता है किसी चीता को ऊपर में लेटा गया, डंडे मार मार, लेकिन आप वृंदावन में ना चश्मा पहन कर जा नहीं सकते, और कोई भी सामान आप लेकर के थली में जा नहीं सकते, बंदर बीच में छीन लेंगे। बड़ी कामी, बड़ी क्रोधी, देखना बात बात में काम क्रोधी, लेकिन ऊपर में तो वैराग्य दिखता है लेकिन अंदर में बड़ी क्रोधी कामी है। बोले भैया ये वैराग्य नहीं चाहिए। जो तीसरा जो वैराग्य कहते प्रसव वैराग्य, मतलब है माता हरे राम हरे राम 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 हरे। हाँ देखो, इसलिए आपको बार बार हरिनाम कराता हूँ, ये महीना पुरुषोत्तम का महीना है। अगर एक बार हरिनाम कर देना 100 बार नाम करने का फल मिलेगा। यहाँ पर कितने भक्त बैठे हुए हैं? समझो 300 भक्त बैठे हुए होंगे। जब सब एक एक बार हरिनाम करते हैं और सबको कहानों में हरिनाम पढ़ता है, एक बार तो आपने नाम उच्चार कर दी लेकिन आपको 300 बार नाम करने का फल मिलेगा, 300 बार नाम। इसलिए आप बीच बीच में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में घर गृहस्थी लोग रहते हैं, उत्तरांचल में साधु लोग रहते हैं। बोले ऐसे एक जगह पर कथा हो जो